तो कितना हो रहा है फिलहाल? -6। -6 अभी टेम्परेचर है। और रात कैसा लगा भाई? भाई हम जिंदा है, हम एक स्लीपिंग बैग में रात गुजार एक ही स्लीपिंग बैग था हमारे पास और दो बंदों ने रात गुजार ली है। और ये देखो भाई पानी पानी आ चुका है अंदर तक, इतनी ठंड थी। वेलकम वेलकम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी लाइफ में बेस्ट होंगे। तो गाइज देखो, मैं अभी मणिकरण साहिब में हूँ और मणिकरण साहिब से मैं जा रहा हूँ तोस गाँव। तो आज आपको एक्सप्लोर करता हूँ पहाड़ी लाइफ स्टाइल, आप जीवन दिखाता हूँ और पहाड़ी विलेज दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँ, जो नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन। तो गाइज पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो को। तो भारत यात्रा से जुड़ी टिप्स भी दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखना। और चलो फिर शुरू करते हैं। मेरे साथ ये सौर्य भाई हैं, तो ये मेरे साथ चल रहे हैं और हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो ये सौर्य भाई हमको गुरुद्वारे में मिल गए थे और इनसे काफ़ी अच्छी बात की तो हमें अच्छा लगा। तो ये बोले भैया हम तोस गांव चल रहे हैं, क्या आप चलोगे? तो बोले, हमने कहा चलो ठीक है, मैं भी चल पड़ता हूँ। और मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों को भी दिखा लूँगा और दिखाऊँगा कैसी लाइफ होती है और क्या है सारी चीज़ें। मैं आपको कल्चर वगैरह भी दिखा दूँगा। तो फिर देखो, फिर मैं भी इनके साथ निकल पड़ा। तो देखो मैं अब रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, हम निकल पड़े तोस गांव के लिए और हमने लंगर वगैरह खा लिया, नहा धो लिया है। तो हमारे साथ है सौर्या भाई और मैं। हाय गाइस, कैसे हैं सर? ब्लॉग ट्रेंड करने वाला है और ये हमारे जो भाई है ना, इनका चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया मतलब है। तो आज हमारी भी आज हम थोड़ा एडवेंचर करेंगे, थोड़ा अपनी जान के साथ खेलेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर चलता है रात को, तो आज भाई को ना पूरा दिखाते हैं क्या। रास्ता देखो कितना डैमेज है, आराम से भाई। रास्ता बहुत खतरनाक है और फुल एडवेंचर है भाई।
बर्फ़ पड़ेगी क्योंकि मौसम एकदम से अब ठंडा हो गया है। उम्मीद है बर्फ़ पड़ने की, बाकी आपको जो भी है दिखाते रहेंगे। तो भाई पानी का इंतजाम हो गया, आप जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। तो देख लो ये जंगल है और हम लकड़ियों के लिए जा रहे हैं। भाई हमारे लकड़ी तोड़ रहे हैं, मौसम बिगड़ रहा है, हमारा जो कैंप है वो नहीं है पीछे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो दिखा सकता हूँ वैसे आपको। ये हमारा कैंप है, देख लो बरियाने लग रहा भाई। तो यहाँ पे देखो हम लकड़ी लेके आए हैं ये, और ये बाद में लाए, तो ये लकड़ी लेके आए और ये देखो यहाँ पे नमस्ते जी। तो हम लकड़ी लेके आए और ये मैडम जी का स्टे है, आंटी का रुकने की जगह, तो बोले कि ये हमारा है। हमने कहा अच्छा, तो आज रात हम यहाँ पे पिकनिक करेंगे और लाइट अब जलाएंगे। ले आओ जलाना शुरू करें भाई, शाम हो रही है। तो भाई अब फटाफट हवा चलने से पहले हमें सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि हवा चलने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो हम इतनी लकड़ी लेकर इकट्ठा कर पाए हैं और ये रहा हमारा कैंप, अब शुरू करने जा रहे हैं कैंप, अब कुकिंग का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि दिन रहते खाना बना लेते हैं। भाई साहब फर्स्ट टाइम जंगल से लकड़ी लेके आए, और ये देखो हाथ हाथ देखो पूरे वैसे हो गए, और मेहनत लगी यार, गर्मी आ गई सच में। मेहनत करो कोई मेहनत करो तो ठंडी या गर्मी कुछ पता नहीं लगता बस। ये देखो भाई ये हमारे हाथ में खिचड़ी है और हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये चावल हम घर से लेके आए थे, और ये देखो हमारे बर्तन, तो ये बर्तन हम हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो ये पानी को, इसको हम चावल को दो बार हम पानी से धो लेंगे, और भाई साहब पानी एकदम ठंडा है, तो अगर सोचो बर्फ़ पड़ गई तो क्या हाल होगा। सो इसको दो बार हम पानी में धो लेंगे, और इसके बाद पानी से निकालने के बाद फिर पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार। सो इसको फिर इसके बाद हम चढ़ाएंगे, और ये देखो हमारा हो गया है चावल धुलने के बाद। फिर इसके बाद हम बारी स्टोव की, तो देखो ये स्टोव नीचे से खुलता है, इसको अच्छे से खोल लेंगे, ऊपर से भी खोल लेंगे, और इस स्टोव में हम 5 लीटर तक का कुकर चढ़ा सकते हैं। तो ये देख लो हमने खोल लिया स्टोव, और इसके बाद ये सिलेंडर ऐसे लगाते हैं, तो देख लो कैसे लगाते हैं। ये सिलेंडर है, इसमें देखो नीचे से भी कट दिया और स्टोव में भी कट दिया, तो ये कट को मिलाएंगे और इसके बाद घुमा के इसको लगा देंगे और ये लग जाएगा। फिर इसके बाद देखो ऑटोमेटिक हमारा चूल्हा है, तो इसमें देखो साइड में ये दिया हुआ है, तो देखो हम पहले कैसे जलाते हैं। तो ये बगल में लाइटर है, हल्का सा गैस खोलेंगे, और इसके बाद देखो ये है, इसको जला दिया और ये जल गया। तो ये देखो हम साइड पे यहाँ पे रख के अब पका रहे हैं। तो ये खिचड़ी हम चढ़ा दिए, और ये देखो गैस जलने लगी, और ये धीरे धीरे अब ये आराम से पकेगा, तब तक हम आग जलाते हैं। तो एक और पत्थर लगा देते जिससे कि हवा को क्रॉस ना कर पाए, तो यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी कर देते हैं और जल्दी खाना बनाना में। तो देखो भाई हमने खिचड़ी बना रहे पहाड़ों पे, और ये देखो हमारे बर्तन, इसको बंद कर दिया, और भाई देखो हमारे हाथ में ना स्नो पड़ने लगी, छोटी छोटी बूंदें, और ये देखो हम आपको दिखाते हैं, ये देखो उड़ के आ रही है, छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं उड़ के कैंप में, आप देख सकते हो। ये देखो नज़ारा देखो कितना खतरनाक है भाई, आग जला ले फटाफट, समस्या हो जाएगी होने वाली है। हाँ तो जो सारी चीज़ें ना अब अंदर रखना या तो अंदर कैंप के। तो भाई आप कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पक जाए खिचड़ी और आग जला लें जिससे सर्वाइव कर सकें, वरना तो बुरी हालत हो जाएगी। देखो आई एम रेडी फॉर स्नोफॉल के लिए, और हमने आग जला ली, और देखो भाई इधर साइड से स्नो आ रही है, और मौसम देखो हवा चलने लगी, और ये देखो भाई चारों तरफ से मौसम खराब हो रहा है। अब रेडी हो जा भाई, बस बहुत बहुत मुबारक मुबारका जी बर्फ लेने के लिए। कैसा लग रहा भाई? ऐसा लग रहा है कि हम ही स्नोफॉल यहाँ लेकर आए सच में भाई, हम लोग आए हैं और लोग बोल रहे थे हिमाचली टोपी पहनी और बर्फ। तो कभी 2024 में तो बर्फ पड़ी नहीं? हाँ ये फर्स्ट है, मतलब मनाली में मेरे अभी चाचा से मेरे बात हुई है, मनाली में अभी भी स्नोफॉल नहीं हुई, अलबत्ता मुझे लगता है कि मनाली में भी थोड़ी बहुत देर में या रात वात में शायद शुरू हो जानी चाहिए। तो 24 में ये फर्स्ट है ना? फर्स्ट है, तो हम लोग लकी हैं लगता। हाँ, हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली, हमने बोला था कि सुनो देख, हम आपको अभी ये नहीं इसलिए बता पाएंगे क्योंकि सिग्नल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रिमोट एरिया में है हम, बट हम लकी हैं। और कौन सी तारीख हो गई आज? 17 तारीख है, और हम स्नो के मजे ले रहे हैं, और भाई देखो हमारी पहाड़ी खिचड़ी बन रही है, और ये देखो हमने आग जलाया है, और देखो भाई टेंट में कैसे बर्फ़ पड़ी है।
ये देखो आई एम द लक्की मैन ब्रो, बनकर रेडी हो गई। और ये देखो खिचड़ी भाई, आधी कच्ची और आधी पक्की, पहाड़ों खिचड़ी है। यहाँ के जो पहाड़ी लोग होते हैं आधा कच्चा और पक्का खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा स्टेमिना मजबूत रहता है और हमें ठंडी कम लगती है। तो ये देख लो हमारी खिचड़ी है और ये हम खाने जा रहे हैं। देखो स्नो पड़ रही है और ये देखो आग जलाई है जिससे कि राहत है थोड़ी। तो हमारे साथ भाई सौर्य है। और भाई सौर्य क्या हाल चाल, खिचड़ी खा रहा है, मज़ा आ रहा है? तो बैठने की तेरे को जगह नहीं मिलनी भाई, इधर जा, आग जलाइए उधर नहीं, कोई बात नहीं आ रही है। चलो तो भाई हम खिचड़ी खा रहे, कैसा है? टेस्टी है भाई। ओके तो भाई मैं भी खाने जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। और देखो देखो भाई खा पी के एकदम रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे सोने। और देखो हम बता रहे कैसे सोए। ये देखो भाई हमने अपना सारा सामान इस साइड कर दिया और सौर्य भाई को ऐसे लिटा दिया है। भाई मजा आ रहा है थोड़ी सी, कैसी लग रही? मजा आ रहा है फिलहाल तो बाहर भाई स्नोफॉल अच्छे से हो रहा, तगड़े वाले से तगड़े से हो रहा है। ये स्लीपिंग बैग हमने खोल लिया, खुल जाता है, इनको उड़ा दिया है और पिछाने के लिए दे दिया अपना रेनकोट और हम जा रहे हैं ऐसे सोने। तो सारा सामान इधर सेट कर दिया है, ये रहा हमारा बिस्तर। तो भाई दो बंदों का कैंप है और भाई की हाइट ज़्यादा है, तो जिसके कारण हाइट होने के कारण थोड़ी सी कम हो रही है फैसिलिटीज़, बाकी पूरी फैसिलिटीज़ है कैंप के अंदर दो बंदे का। तो भाई देखो नेटवर्क तो आ नहीं रहा और हम फिर यहाँ पे मूंगफली लेट के भी हमारा कोई अपनी आदत नहीं ज़्यादा सोने की, तो मूंगफली अपना निकाला है। ये देखो मूंगफली गच्चाक भाई, मज़ा आ रहा कि नहीं? मज़ा तो है तो भाई ये भाई हमारे पहले हैं जो हम इनको अपने साथ लेके हैं और ये भी लकी है। थैंक यू वेरी मच भाई आपने तो हालांकि मेरे साथ आज जितनी भी चीज़ें थी बहुत नई थी। तो क्या क्या सीखा, अच्छा ये बताओ। मेन चीज़ है कि पहाड़ से उतरने का डर 30% तक कम हुआ है। कम हो गया क्योंकि मैं आपको याद होगा कि मैं जिस पहाड़ पे चढ़ते हुए डर रहा था, उतरते हुए डर रहा था, फिर आप चढ़ गए। उस पे मैं चढ़ा, दो बार चढ़ा फिर दो बार उतरा भी हूँ आराम से। और क्या सीखा, और क्या सीखा, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बताओ ना, छोटी चीजें मैंने रखती हैं जैसे कि कैंप लगाना, कैंप किस तरीके से लगाया जाए। ओके दूसरा और सबसे मेन चीज की ऐसे जब भी आप काम कैंपिंग करते हो तो पेट भर के नहीं खाया जाता। हाँ पेट भर के नहीं खाया जाता, ये चीज सबसे ज्यादा सीखी जो मुझे, क्योंकि मैं हूँ पेट भर के खाने वाला इंसान कोई भी हो, वो चीज समझ अच्छी समझ में आई, मतलब उतना खाओ जितनी आपको जरूरत है। हाँ, जितनी नीड है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी स्नोफॉल के लोग तरस रहे हैं और हम आए तभी स्नोफॉल शुरू हो गया, हिमाचली टोपी हमने पहन रखी थी, सारा श्री स्नोफॉल का हमने खुद को दिया। और देखो भाई एंजॉय करने के लिए हमने मूंगफली गच्चक वगैरह सारा कुछ रखा है। तो ये भाई सो रहे थे तो हमने इनको जगाया, नहीं रहते हैं लेटे हुए थे यहाँ हम, हालांकि यहाँ मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगा, वैसे मुझे नहीं आती। तो 10:30 बज चुके हैं और भाई माइनस का टेम्परेचर, माइनस का टेम्परेचर है और अभी स्लीपिंग बैग एक ही है हमारे पास। तो देखो हमने कैसे कवर किया, हम अच्छा ऐसे बैठे हो आप पूरा जैकेट, सच में यार बहुत एकदम से बाहर निकल के बड़ा फील हो रहा है। माइनस का जो टेम्परेचर है हमारा जो जाएगा भाई, चेहरा तो दिखा दे लो, देखो यार भाई जो अपना जो टेम्परेचर जाएगा भाई वो अपना माइनस का होगा, 7 जाएगा। हाँ जरूर खाओ ना यार बाहर का, अभी स्नो तो बंद हो गई है फिलहाल, स्नो बंद हो गई यार। हाँ पर ठंडी है पूरी। करो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, फॉलो करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तो कितना हो रहा है फिलहाल, माइनस सिक्स अभी टेम्परेचर है। और रात कैसा लगा भाई? भाई हम जिंदा हैं, हम एक स्लीपिंग बैग में रात गुजारे, एक ही स्लीपिंग बैग था हमारे पास और दो बंदों ने रात गुजार ली है। और ये देखो भाई पानी पानी आ चुका है अंदर तक, इतनी ठंड थी। और यार बाहर का नज़ारा दिखाओ जरा, तुम बताओ तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है देख लो भाई हम ऐसे ही रात गुजार रहे हैं और ये हमारा कैंप है। और अब आप आपको जन्नत दिखाते हैं बाहर की कैसी ये दिखती है। 1 2 3 स्टार्ट, देखो शुरू हो जाओ। ये देखो भाई है ना, और भाई देखो कितनी मतलब ऊपर देखो बर्फ पड़ी है, हमको साफ साफ बर्फ दिखाई दे रही है। देखो हमारे बाहर कैंप के बाहर का नज़ारा देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, सुकून मिल रहा है बट। और देखो कल हमने यहाँ पर रात में खाना बनाया था, आग भी जलाई थी, खाना बनाया था। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ये सुबह सुबह का व्यूज़ है, माइनस का 6 है भाई।